जुल्फिकार हुसैन और आप देख रहे भिवंडी सफारी। इस वक्त भिवंडी में यौम आशूर का जुलूस जो है बरामद हुआ है। हमारे साथ जनाब सिराज सर हैं जो यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी खिदमात हैं इनके। सर, ये आज का जुलूस किस हिसाब से निकला? कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये जुलूस इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करने के लिए निकाला जाता है। ये पूरी दुनिया के अंदर, चाहे एशिया हो चाहे बर्रजम यूरोप हो, हर जगह यह जुलूस निकाला जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ हुसैनी पैगाम को आम करना है। हुसैन ने जिस तरह से जालिम हुकूमत का खात्मा किया, उस पैगाम को पूरी दुनिया में नश्र करना है कि कभी भी सच्चाई की जीत होती है। कितनी भी बड़ी ताकतें हो, वो सच्चाई के सामने झुक जाती है, उसका नाम निशान मिट जाता है। ये जुलूस हुसैनी तंजीम मंडल भिवंडी की जानिब से, भिवंडी में आज 50 साल हो गए, ये जुलूस 50वें साल में दाखिल हो गया है। ये जुलूस जो है मुख्तलिफ अंजुमनों के साथ, अंजुमन फातिमा बनारस, अंजुमन हैदरिया, अंजुमन गुलशन ज़हरा और अंजुमन अब्बासिया के जरिए जो है बेहतरीन, ये अंजुमन की सीनाजनी मातम करते हुए ये जुलूस जो है शिया कब्रस्तान एसटी पर जाके इख्तिताम पज़ीर होता है। माशाल्लाह, हमने देखा है इस जुलूस में सुन्नी भी काफ़ी जो है, उनके भी अंजुमन है, वो भी शरीक होती है। इमाम हुसैन का अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो इंसानियत का पैगाम है। वो चाहते हैं कि इंसानियत उरूज पर है, तो जितने भी जो हमदर्द है जब इमाम हुसैन की कुर्बानियों को देखते हैं, तो चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो चाहे हिंदू हो चाहे हिंदू बरेमन हो, सब जो है आज़ादारी में आके इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, मातम करते हैं, सीनाजनी करते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। देखिए, ये जो जुलूस है ये इंसानियत का पैगाम है और आप लोग जो है इसमें जो है लगे रहिए, इंशाल्लाह हम जो है पूरा जुलूस कवर करेंगे। और अभी हम यहाँ से बेबी नगर से आगे निकल रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।